संगीत सरिता संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आज की इस कड़ी में श्रीमती साधना भट्ट बातचीत कर रही हैं प्रसिद्ध संगीतकार श्री पी एन बर्वे से। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज हम पंडित जी के शिष्य श्री पी एन बर्वे जी से कुछ बातचीत करेंगे। श्री पी एन बर्वे एक अच्छे संगीतकार रहे, संगीत के अनेक क्षेत्रों में उच्च पदों पर विराजमान भी रहे। बर्वे जी, पंडित जी के निधन को काफी लंबा समय बीत चुका है। बर्वे जी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपके मन में आपके गुरुजी की छवि कैसी अंकित है? मेरे परम पूजनीय गुरुजी के स्वर्गवास को वर्ष हो गए, किंतु उनका सर्वंकष संगीत बहती हुई गंगा जल के समान मेरे मन में जैसा कि तैसा है। बर्वे जी, आपके संगीत के रुझान एवं रुचि पर पंडित जी की गायकी का प्रभाव कैसे पड़ा? मुझे तो लगता है ऐसा परिवर्तन मेरे गाने में कैसा हुआ, 1934 की घटना होगी कि पहली बार मैंने पंडित जी की नीलांबरी सुनी और बाद में चंपक, शुद्ध कल्याण इत्यादि ध्वनि मुद्रिकाएं सुनी। इसका परिणाम ये हुआ कि इन रागों के अलावा जो जो राग मैं गाने लगा उनका ढंग पंडित जी के गायकी के रूप में ही आने लगा। बर्वे जी, पंडित जी को सुनकर आपने संगीत को आत्मसात किया, ऐसा आपने कहा, परंतु उनसे साक्षात्कार कैसे और कब हुआ, क्या आप ये बताएंगे? मेरे जीवन का सुवर्ण काल सन 1943 का था। मैं तब नागपुर में था और बीए की परीक्षा देने वाला था। उनकी प्रत्यक्ष भेंट नागपुर में हुई और मन में थाम लिया कि संगीत का गुरु पंडित जी के अलावा और कोई भी न हो, और आज भी कोई नहीं है। आपने पंडित जी को निकट से सुना और देखा है, तो क्या आप उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ कहेंगे? पंडित जी को मैंने बहुत निकट से देखा है, उनके बारे में मैं जितना लिखूं उतना कम है। डॉक्टर सुमति मुताटकर ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। वे राजयोगी थे, ये उनका पहला लक्षण। इसका अर्थ ये नहीं कि वे बचपन से ही राजयोगी थे। थोर व्यक्तियों के जीवन में अक्सर दारिद्र्य, कष्ट और अनेक कौटुंबिक समस्याएं रहती है। इन सब का अनुभव लेने के पश्चात ही वे राजयोगी बने। पंडित जी का स्वभाव अष्टपहलू था, हर बात को बड़े चाव से अपनाना, आनंद लेना, उनकी उपयुक्तता, व्यवहार देखना, निर्व्यसनी रहना, ये सब बातें उनमें थी। संगीतमय जीवन और जीवनमय संगीत, ये उनके जीवन का सार रहा। सारांश में मैं कह सकता हूँ कि वे अपने तत्वों पर अटल रहे। पंडित जी अत्यंत शिस्तप्रिय थे, गुजराती के अलावा मराठी, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, इन भाषाओं पर उनका प्रभुत्व अनेक बार दिखाई दिया गया है। संगीत ये केवल उनका पेशा नहीं था, किंतु भारतीय संगीत साक्षात ओंकार रूप है, ये भावना उनके मन में दृढ़ रही। हर व्यक्ति के जीवन में आम तौर पर दो पहलू रहते हैं, और नामवंत, कीर्तिवंत, यशवंत व्यक्तियों के बारे में तो ये प्रकर्ष से दिखाई देते हैं।
बरवे जी, आपके लंबे अवधि के सानिध्य के कुछ विशेष संस्मरण आपके पास अवश्य होंगे, क्या आप उनके बारे में हमारे श्रोताओं को कहेंगे? रंगमंच पर विराजमान पंडित जी के बारे में मैंने खास अनुभव किया है। ऐसे कुछ प्रसंग मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, खास तौर पर संगीत परिषदों में। एक कॉन्फ्रेंस में एक प्रसिद्ध सिने नर्तिका का नृत्य हो रहा था। इतनी भीड़ थी कि खड़े रहने को भी जगह नहीं थी। इस नृत्य के पश्चात पंडित जी गाने वाले थे। 5-1 मिनट के बाद पंडित जी मंच पर विराजमान हुए, किंतु नृत्य इतना प्रभावी हुआ कि गायन सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हॉल में कोलाहल मच गया। पंडित जी खड़े हुए और बोले, देखो मैं केवल आपके 5 मिनट लूँगा। इस अवकाश में अगर मेरा गाना आपको पसंद नहीं आया तो मैं स्वयं गाना बंद करूँगा। और पंडित जी ने संत सूरदास जी का प्रसिद्ध भजन मैया मैं नहीं माखन खायो ये शुरू किया। उनके वाणी में एक ऐसा ओश था कि सारे श्रोतागण शांत होकर सुनने लगे। किसी संस्थानिक के दरबार में पंडित जी को निमंत्रित किया गया था। अन्य संस्थानों के राजे महाराजे भी उपस्थित थे। कोई स्त्री गायिका गा रही थी, गायिका नीचे बैठकर गा रही थी और श्रोतागण कुर्सियों पर आसनस्थ थे। पंडित जी ने ये देखते ही कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है। गायन तुरंत बंद हुआ और सारी व्यवस्था बदल दी गई। मुंबई के भारतीय रंग भवन में पंडित जी गा रहे थे। राग था दरबारी का नड़ा, वो केवल आलापचारी ही कर रहे थे। प्रकाश योजना केवल रंगमंच पर ही थी। बहुत दूरी पर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा था। ये देखकर पंडित जी गरज कर बोले, कौन सिगरेट पी रहा है? और क्या आश्चर्य, सिगरेट बुझ गई। इन सब बातों से यही पता चलता है कि पंडित जी का हेतु कलाकार की प्रतिष्ठा बढ़ाना यही था। आपने अपने गुरु की परिभाषा आपकी एक रचना में की है, क्या आप उस रचना को सुनाएंगे? आज संगीत विद्यार्थियों की स्थिति अच्छे गुरु पाने के लिए तड़पती है। इसका अल्पसा वर्णन मेरी स्वयं रचित रचना में मैं कथित करता हूँ। मैं सद्गुरु ढूंढन कहाँ जाऊँ, जित जाऊँ उत गली गली में, गुरु गुरु की देखत लगी होड़। मैं सद्गुरु ढूंढन कहाँ जाऊँ, तब किसके चरणन पर जाऊँ, सुझत ना कछु मन होत मूढ़। मैं सद्गुरु ढूंढन कहाँ जाऊँ। लेकिन मेरे लिए, मेरा सौभाग्य इतना बड़ा था कि मेरे लिए ऐसा सद्गुरु ढूंढने की ज़रूरत ही पड़ी नहीं। और जो मेरे जीवन में गुरु आया वह ऐसा एक महान पंडित ओंकारनाथ जी ठाकुर। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे कलाकार में ईश्वरी अंश रहता है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। हमेशा वो कहते थे, हम हाथ में गंगा जल लेकर गाते हैं। ऐसा ये महान पंडित वाग्गेयकार आज हमारे बीच शरीर से नहीं है, परंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत को आज जो प्रतिष्ठा मिली है उसकी नींव पंडित जी ने डाली। ऐसा अगर मैं कहूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसे महात्मा के चरणों पर मैं नतमस्तक हूँ। श्रोताओ, आपने अभी पंडित जी के बारे में उनके शिष्य श्री P.N. बरवे जी से भेंट वार्ता सुनी और अब पंडित ओमकारनाथ जी का गाया हुआ राग ललित सुनिए। पियो पियो रटन भवि आ पियो पियो रटन आ पियो आ पियो रटन आ पियो
सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की आज आपने छठवीं कड़ी सुनी। इस कड़ी में प्रसिद्ध संगीतकार श्री पी.एन. बर्वे से बातचीत कर रही थी श्रीमती साधना भट्ट। आकाशवाणी अहमदाबाद की इस प्रस्तुति की सातवीं कड़ी आप कल सुनेंगे संगीत सरिता में। Sarita